नमस्कार मित्रों, आज हम फिर बात कर रहे हैं यूवल नोह हरारी के 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। आज हम बात करेंगे 16वें अध्याय की, जो जस्टिस पर आधारित है। हरारी की एक विशेषता रही है जो आपने अब तक महसूस की होगी कि वह हर अवधारणा को, जो स्थापित अवधारणाएं हैं, उसको एक नए प्रकार से प्रस्तुत करता है। यानी जैसे न्याय की अवधारणा है, वो दर्शन शास्त्र में, कानून में और राजनीति विज्ञान में एक स्थापित अवधारणा है और हजारों वर्षों से न्याय की बात की जा रही है। हालांकि अलग अलग तरह से की जा रही है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि ये न्याय की बात, परिभाषाएं चाहे बदल रही हो, लेकिन एक उसका स्ट्रक्चर एक जैसा रहा है हमेशा। हरारी ने इस बार एक नए तरीके से न्याय के बारे में बात की है। उसका ये कहना है कि हम आज के संदर्भ में 21वीं शताब्दी में न्याय को वैसे परिभाषित नहीं कर सकते जैसे कि हम हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं और विशेष रूप से पिछली शताब्दी में कर रहे थे। उसका ये कहना है कि न्याय अब व्यक्तिगत नहीं है और प्रत्यक्ष नहीं है। यानी परिभाषित अगर हम करें तो न्याय को हम देखने के लिए हमें देखना होगा कि आज अन्याय जो है वह नमस्कार मित्रों, आज हम फिर बात करने वाले हैं यूवल नोह हरारी की। हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं उसकी पुस्तक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी की, और उसमें अब तक हमने लगभग 15 अध्याय पूरे कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे 16वें अध्याय की, जो न्याय पर आधारित है। अब तक हमने देखा होगा कि हरारी की एक विशेषता है कि वो स्थापित मान्यताओं को आज के संदर्भ में नए प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश करता है, और वो बड़ा तार्किक है और वो उसके उदाहरण देता है। इसलिए वो न केवल लॉजिकली बहुत स्ट्रोंग है, अपितु वो एम्पिरिकली भी बहुत स्ट्रोंग है। यानी अनुभवजन्य जो उसके पास घटनाएं हैं, जो उसके पास एविडेंसेस हैं, उनको भी बड़ा अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है और तार्किक ढंग से चीज़ों को तो प्रस्तुत करता ही है। इस अध्याय में उसने न्याय की अवधारणा को लिया है। उसका ये मानना है कि न्याय की अवधारणा आज के संदर्भ में वैसे परिभाषित नहीं की जा सकती जैसे कि पिछले कुछ शताब्दियों में की जा रही है, और उसके दो मूल आधार वो बताता है। पहला तो ये कि आजकल अन्याय जो है वह न तो प्रत्यक्ष होता है और न वह शारीरिक होता है या फिजिकल होता है। यानी किसी ज़माने में हम कह सकते थे अन्याय ऐसा था जैसे हमने किसी को दास बना लिया और दास प्रथा को हमने स्वीकृति दे दी है, तो कहा जाएगा भाई ये तो अन्याय हो रहा है। आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत ही अन्याय है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दास बना के रख रहा है। या हम देखें कोई किसी का शोषण कर रहा है बिल्कुल सामने, कि हमारे खेत पे किसान काम कर रहे हैं और हम वो बेचारे जितनी मजदूरी करते हैं उसका उतना हम उसको तनख्वाह नहीं देते हैं, तो ये उसका शोषण हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। या दूसरे हम कह सकते हैं बहुत सी चीज़ें कि हमने किसी ने कोई गलत काम किया है, कानून के विरुद्ध काम किया है, और कानून में वकील उसको इस तरह से उलझा लेते हैं कि सरकार या न्यायालय उनको दंड नहीं दे पाती है, तो वो भी अन्याय नज़र आता है। तो अन्याय अब तक ऐसा नज़र आता था सामान्यतः कि वो व्यक्ति के द्वारा है, वो प्रत्यक्ष है और वो फिजिकल है कल को ऑलमोस्ट। हरारी का कहना है कि अब अन्याय ऐसा नहीं होता, अब अन्याय व्यक्ति के द्वारा ना होकर संरचनाओं के द्वारा होता है, स्ट्रक्चर्स के द्वारा। वह प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष होता है और वो फिजिकल नहीं होता, जैसे उसने उदाहरण दिया। और इस उदाहरण ये दिया कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम उस अन्याय में भागीदारी है या नहीं, यही बहस का विषय हो जाता है।
जैसे हमने एक शर्ट पहनी, मैंने एक शर्ट पहनी है, हमने मैंने अमेरिका से खरीदी मान लो, और मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैंने उसको खरीद लिया है और मैं उसको उसको पहन रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई अन्याय नहीं किया, मैंने किसी का शोषण नहीं किया। लेकिन ये जो शर्ट बनी है अमेरिका में, जो बिक रही है, वो बनी है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जिन लोगों ने बनाई है उनका शोषण वो मल्टीनेशनल कंपनीज कर रही है, क्योंकि वो उनको उतना मुआवजा नहीं देती जितना कि उनका से काम कराती है। वो सस्ता करते हैं, इसलिए तो बांग्लादेश में ये शर्ट बनाई जा रही है, न कि अमेरिका में बनाई जा रही, मैन्युफैक्चर की जा रही है। तो वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो जो शोषण कर रही है, वो जो अन्याय कर रही है अपने उस बांग्लादेश के या किसी दूसरे देश के मजदूरों के साथ, इस शर्ट को पहनने पर क्या मैं उसमें भागीदार हूं या नहीं हूं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब वो उसका कहना है कि ये एक फिलोसॉफिकल प्रश्न है, इतना आसान नहीं है इसका उत्तर देना। हम अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय के में को साझा कर रहे हैं। अब इसका हम करें क्या, उत्तर क्या है? उत्तर हमारे पास नहीं इतने आसान कि क्या हम शर्ट पहनना बंद कर दें। गांधी जी के पास तो उत्तर था, तो उन्होंने कहा था कि इसे बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज न लगाएं, और गांव जो है, गांव में ही हम ऐसी आर्थिक सुविधाएं दें जिससे कि वो गांव आर्थिक संपन्न हो जाए, तो किसी का शोषण नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। लेकिन आज की दुनिया में ये संभव नहीं है। तो इसका कहना है कि आज व्यक्तिगत स्तर पर जो अन्याय होता है वो तो कम हो गया है, क्योंकि आज दास प्रथा नहीं है, आज कानून पर व्यवस्था बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है, तो व्यक्तिगत अन्याय होने पर तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट अन्याय हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के द्वारा, देशों के द्वारा, कंपनीज के द्वारा, और उसको में हम भागीदारी बन रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, तो क्या हम ये अन्याय के भागीदार हैं या नहीं हैं, और हम न्याय में को तरफ कैसे बढ़ेंगे? अगर हम न्याय की परिभाषा इस तरह से देखें तो हम पाएंगे कि अब तक जो न्याय के सिद्धांत आए हैं वो सिद्धांत आज लागू नहीं हो सकते। हम एक नए प्रकार के न्याय की परिभाषा करनी पड़ेगी जो स्ट्रक्चरल इनजस्टिस को कम करे और व्यक्ति उसमें कैसे हिस्सेदारी अपने बढ़ाए, इसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा कि हम हिस्सेदारी बढ़ाकर अन्याय को कैसे कम करें, जो कि अप्रत्यक्ष है, स्ट्रक्चरल है और फिजिकल नहीं है, और संस्थाओं के द्वारा हो रहा है, व्यक्ति का नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बात उठाई है इसने। चलिए आज इतना ही देखते हैं, इस अध्याय का यही सारांश।